सो हाय गाइज, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस डेटा। गाइज, इस बात में कोई दोराय नहीं है कि जितना ज्यादा हमारे पास डेटा होगा उतना ही उसे खोने का डर भी रहेगा, और अक्सर हम ऐसी गलती कर भी बैठते हैं, या तो गलती से अपनी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव फॉर्मेट कर बैठते हैं या फिर अपनी इंटरनल हार्ड ड्राइव फॉर्मेट कर बैठते हैं, कोई विंडोज इंस्टॉल कर रहे हैं और गलती से अपनी पूरी ड्राइव ही फॉर्मेट कर दी, पूरा डेटा हमारा खत्म हो गया, कोई वायरस अटैक हो गया, पूरा डेटा करप्ट हो गया, डिलीट करना पड़ा, कोई भी हादसा ऐसा हो जाता है कभी ना कभी कि हमारा पूरा डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा हमारा डिलीट हो जाता है। तो यहां पर मेरे पास एक 80 GB की हार्ड ड्राइव है, ठीक है, एक साटा हार्ड ड्राइव है, जिसमें से मैंने लगभग 500 GB से ज्यादा का डेटा अपना रिकवर करा, जिस टूल की मदद से किया वो मैं भी आपको बताऊंगा। लेकिन आप सोचिए, 80 GB की हार्ड ड्राइव से मैंने 500 GB से ज्यादा का डेटा मैंने रिकवर किया। सोचिए कितना पुराना डेटा है, लगभग मैं अगर बात कर दूं 5-6-7 साल पुराना डेटा, कितनी बार ना जाने मैंने इस हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट किया है, डिलीट किया है, कितनी बार इसमें कुछ डेटा डाला है, कितनी बार इससे हटाया है। तो कई बार हमें जरूरत पड़ती है ऐसे डेटा की जो हमारा पुराना डेटा हो, जो हमें चाहिए हो, कोई इंपॉर्टेंट डेटा हो, कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हो जिस पर हम काम कर रहे हो और वो हमें चाहिए हो, तो हम उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं। काफी सारे कमेंट मेरे पास आते हैं, अब तो काफी सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म आ गए, लेकिन फिर भी कुछ लोग अपनी लाइब्रेरी को अलग से मैनेज करके रखते हैं, अलग अलग सिंगर के हिसाब से गाने रखते हैं, कुछ लोग म्यूजिक एडिट करते हैं तो उनके जो एडिटिंग फाइल होती है लाइक FL स्टूडियो वगैरह की फाइल वो रखते हैं, और काफ़ी सालों की मेहनत होती है कई बार, और वो एक झटके में अगर डिलीट हो जाती है तो डेफिनेटली आप चाहेंगे कि आप उसको रिकवर कैसे करेंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ, छोटा सा प्रोसेस। सबसे पहले तो आपको इस हार्ड ड्राइव को कनेक्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस हार्ड ड्राइव में है क्या। ठीक है, मैंने इस हार्ड ड्राइव को कनेक्ट किया और आप ये देख सकते हैं ड्राइव पूरी इसी हार्ड ड्राइव की है, 80 GB की। इसमें एक म्यूजिक नाम का फोल्डर है, मैं आपको म्यूजिक फाइल ही रिकवर करके बताऊंगा, क्योंकि स्पेशली म्यूजिक फाइल की यहाँ पर मेरे पास क्वेरी आ रही थी, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के FL स्टूडियो की जो फाइल्स हैं, जो म्यूजिक एडिटिंग वगैरह करते हैं, या फिर किसी के म्यूजिक्स हैं जो उन्होंने खुद ने क्रिएट करे थे, वो लॉस्ट हो गए, तो वो उनको रिकवर कैसे करें। बाकी आप जो मैं यहाँ पे प्रोसेस बताने वाला हूँ उसकी मदद से पूरा का पूरा डेटा आप रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि मेरे पास यहाँ पे म्यूजिक नाम का फोल्डर, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट क्या, इनफैक्ट सपोज मैं इस पूरी ड्राइव को ही फॉर्मेट कर देता हूँ, मैंने राइट क्लिक करके इसको फॉर्मेट कर दिया और ये फॉर्मेट हो गई। ठीक है, अब हम इसका जो डेटा है उसको रिकवर करने का ट्राई करेंगे। हालांकि विंडोज हमें काफी सारे ऑप्शन देता है यहाँ पे फ्री में रिकवर करने के डेटा, यानी कि रिसेंट में अगर आपसे कुछ गलती हो गई है तो आप फ्री में अपने डेटा को रिकवर कर सकते हैं, जिसमें कुछ कमांड प्रॉम्प्ट मेथड भी हैं और विंडोज के फीचर भी हैं। कमांड प्रॉम्प्ट मेथड की बात करें तो चेक डिस्क से सबसे पहले आप अपने ड्राइव को एनालाइज करते हैं, हाँ भाई कितने सेक्टर रिलोकेट हुए हैं, कितने सेक्टर रिमूव हुए हैं। साथ ही साथ चेक डिस्क के बाद आप एट्रीब्यूट कमांड की हेल्प से आप उन लॉस्ट हुए पैकेजेस को रिलोकेट कर पाते हैं, लेकिन कई बार ये फ्री मेथड, फ्री फीचर्स वर्क नहीं करते हैं। साथ ही साथ विंडोज़ ने आपको इतना खास फीचर भी दे रखा है फाइल हिस्ट्री को वापस से लोकेट करने का, लेकिन मोस्टली यूजर्स इस तरह के फीचर्स अपने सिस्टम में अनेबल नहीं रखते, और वहाँ पर काम करते हैं एडवांस टूल जो आपके डेटा को आपकी हार्ड ड्राइव से स्कैन करते हैं, डीप स्कैन करते हैं। तो कौन सा है वो टूल, चलिए जानते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, गूगल पर जाना है, और गूगल पर जाने के बाद टाइप करना माई फोन डेटा रिकवरी। हालांकि मैंने आपको काफ़ी सारे फ्री टूल भी बताए हुए, आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं। जब आपके पास सभी फ्री के रास्ते बंद हो जाएं, तब आप इस तरीके के टूल की तरफ जा सकते हैं, अगर ये आपके लिए काम करते हैं। तो इन टूल्स की खास बात यह है कि आपको फ्री में ऑप्शन देते हैं ट्राई करने के लिए, ट्रायल वर्जन आपको देते हैं, यहाँ ये आपके हार्ड ड्राइव रीड कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, आपके हार्ड ड्राइव से डेटा रिकवर कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, तो आप उन ट्रायल वर्जन को ट्राई कर सकते हैं, जिनकी मदद से आप 100 MB 200 MB तक का डेटा आसानी से फ्री में रिकवर कर पाते हैं। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन मिल जाता है फ्री डाउनलोड का और बाय नाउ का। तो अभी हम बाय नाउ की तो बात कर ही नहीं रहे, हम फ्री डाउनलोड की बात कर रहे हैं जो कि 100% सेफ है। ठीक है, तो यकीन मानिए कि इसका जो डीप स्कैन फीचर है वो काफ़ी इफेक्टिव है, काफ़ी ज़्यादा डेटा आपके ड्राइव से निकाल पाता है। तो हम फ्री डाउनलोड पर क्लिक करते हैं और इस टूल को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं। मैंने इस टूल का जो पेड वर्जन है वो परचेज कर रखा है, और उसी की मदद से मैं इस हार्ड ड्राइव से 500 GB से ज़्यादा का डेटा यहाँ पे रिकवर कर पाया। तो यहाँ पर मैंने इस टूल को रन कर लिया है, और रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टूल का जो इंटरफेस है वो काफ़ी सिंपल है। ठीक है, आप देख सकते हैं ओपन करते ही ये आपके सिस्टम में जितने भी डिवाइसेस हैं और ड्राइव्स हैं वो आपको शो करेगा। आप देख सकते हैं USB ड्राइव ई,
सी एंड डी, ठीक है। तो यहां पर अब आपको जिस ड्राइव को रिकवर करना है या फिर जिस ड्राइव से आपको डेटा रिकवर करना है, आप उस ड्राइव को सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ नीचे अलग सेक्शन में आपके पास आता है स्पेसिफाई अ लोकेशन, रिसाइकल बन से डेटा रिकवर करना, डेस्कटॉप से डेटा रिकवर करना, या फिर कोई एक पर्टिकुलर फोल्डर है आपका जिसमें डेटा था और आपने डिलीट कर दिया है, वो आपको रिकवर करना है, तो आप सेलेक्ट फोल्डर चूज करेंगे। देन इसके बाद कुछ एडवांस्ड ऑप्शन भी है, कांट फाइंड लोकेशन, अगर आप कोई लोकेशन फाइंड नहीं कर पाते हैं तो आप इस फीचर का यूज ले सकते हैं। साथ ही साथ रिकवर फ्रॉम क्रैश्ड कंप्यूटर, अगर आपका सिस्टम क्रैश हो गया है किसी वायरस की वजह से या फिर किसी माल फंक्शन की वजह से, तो आप इस ऑप्शन का यूज ले सकते हैं। और स्कैन रिजल्ट, यानी कि अगर आपने स्कैन रिजल्ट इसका सेव किया है और आप उस टाइम रिकवर नहीं कर पाए, तो आप इम्पोर्ट भी कर सकते हैं उस स्कैन रिजल्ट को। तो ये एडवांस्ड ऑप्शन है, तो काफी इफेक्टिव ऑप्शन है। हम बात करते हैं अपनी पर्टिकुलर हार्ड ड्राइव की, जो कि ई ड्राइव थी, यूएसबी ड्राइव ई, ठीक है। यही हमारी 80 जीबी की वो हार्ड ड्राइव है जिससे हमें डेटा रिकवर करना, और यहाँ पर आप देखेंगे लगभग 500 से 600 जीबी तक का यहाँ पे डेटा इसने स्कैन किया और जो कि वर्केबल कंडीशन में था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी जो हार्ड ड्राइव है वो स्कैन हो रही है और काफ़ी सारी फाइल्स यहाँ पर आ रही है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो फाइल्स हैं रिकवर होके दो तरीके से आपको शो करेगा, एक तो फाइल टाइप टैब यहाँ पर आ जाएगा और एक फाइल पाथ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फाइल टाइप की बात करें तो यहाँ पर आपकी फोटोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं, डॉक्यूमेंट हैं, आर्काइव है, ईमेल है, या फिर जो अदर फाइल्स हैं यानी कि मिसलिनियस फाइल हैं, उनकी अलग अलग कैटेगरी बना देगा। यानी कि ऑडियो कैटेगरी में जाएंगे तो आप सीधा सीधा ऑडियो रिकवर कर सकते हैं, वीडियो कैटेगरी में जाएंगे वीडियो रिकवर कर सकते हैं। ये एक अच्छा फीचर है। साथ ही फाइल पाथ फीचर भी यहां पे आपको मिलता है। फाइल पाथ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो अगर पॉसिबल होगा तो ये आपको कंप्लीट पाथ रिकवर करके दे सकता है, लाइक ई ड्राइव के अंदर कौन से फोल्डर में कौन सा फोल्डर आपका लॉस हुआ था और उसको आप रिकवर कर सकते हैं। जैसे भी आप देख सकते हैं फाइल पाथ में आप, हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, ई एन टी एफ एस और ई रॉ फाइल्स। तो एन टी एफ एस में आपको कंप्लीट पाथ मिल जाता है और रॉ फाइल्स की बात करें तो आपको रॉ डेटा मिलता है लेकिन उसका पाथ लॉस हो चुका होता है, ठीक है। तो रॉ डेटा भी अगर आपको मिल रहा है तो आप उसमें से अपना डेटा सेग्रीगेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, एटलीस्ट रिकवर तो हो रहा है। रॉ डेटा इसलिए आपको मिलता है क्योंकि उनके पाथ जो होते हैं यानी कि जो डायरेक्टरीज होती है वो रिकवरेबल नहीं होती, या फिर टूल इतना ज़्यादा डीप स्कैन नहीं कर पा रहा, या फिर वो नहीं हो सकता। अगर आपको रॉ फाइल मिल जाती है तो आप उसकी मदद से भी डेटा यहाँ पे रिकवर कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो आप यहाँ पे नोटिस कीजिए इस बात को कि स्कैन कंप्लीट हो गया है और फाइल्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्कैन हुई है, लगभग 5,96,066 फाइल्स स्कैन करके इसने निकाली है। और आपको जैसे कि मैंने आपको दिखाया था जो हार्ड ड्राइव है वो मेरी 80 जीबी की है जिसमें से 73-74 जीबी यहाँ पे यूजेबल स्पेस है। उस पर्टिकुलर हार्ड ड्राइव में से यहाँ पर 630 जीबी से ज़्यादा का डेटा इसने स्कैन किया है और रिकवर करने के लिए मेरे को अवेलेबल करवाया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत ही खास फीचर है, यानी कि मैं सोच भी नहीं सकता कि इस हार्ड ड्राइव से 600 जीबी से ज़्यादा का डेटा मिल सकता है मुझे। तो मुझे वो फाइल्स यहाँ पे मिल गई जो आज से कम 6-6 साल पहले मैं यूज़ किया करता था, ठीक है। क्योंकि मेरी बहुत पुरानी हार्ड ड्राइव है, मेरे पहले सिस्टम की हार्ड ड्राइव है, जब मैंने अपना पहला सिस्टम लिया था 2011 में, उस सिस्टम की हार्ड ड्राइव है। तो आप सोचिए इस हार्ड ड्राइव को मैंने कितना यूज़ किया होगा और कितनी बार इसमें से डेटा निकाला और डाला होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन मिल जाते हैं डेटा रिकवरी के। तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ रहा है फाइल पाथ का। तो यहाँ पर ई एन टी एफ एस की बात करूँ तो मुझे म्यूज़िक फोल्डर नज़र यहाँ पर नहीं आ रहा है, ठीक है। मुझे म्यूज़िक फोल्डर यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है और मैं आपको ई ड्राइव में भी जाके दिखा देता हूँ, यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है, खाली पड़ी है ई ड्राइव, ठीक है। हमें इसी ड्राइव में अपना डेटा वापस लेके आना है। क्या करते हैं यहाँ पे ई रॉ फाइल्स में देखते हैं, क्योंकि अभी जो मैंने रिसेंटली डिलीट किया है मुझे वही डेटा चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मैं सारा भी रिकवर कर सकता हूँ लेकिन सारा रिकवर करने के लिए मुझे चाहिए यहाँ पर 630 जीबी का स्पेस, वो भी मेरे पास नहीं है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, वो इंपॉर्टेंट डेटा रिकवर कर लेता हूँ जो मुझे अभी के अभी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ई रॉ फाइल्स में मैं गया, मुझे पता है कि जो मैंने साउंड फाइल अभी डिलीट करी है, जो ऑडियो फाइल डिलीट करी है, वो MP3 की है। तो MP3 में मैं जाऊँगा और यहाँ पर काफ़ी सारी MP3 फाइल्स मेरे पास यहाँ पर आ रही है रिकवर करने के लिए। तो मुझे क्या करना है, जस्ट यहाँ से अपनी पर्टिकुलर MP3 फाइल्स को फाइंड करना है जिन्हें मैं यहाँ पे रिकवर कर सकता हूँ। खास बात यह है कि यहाँ पर आप डबल क्लिक करके उस पर्टिकुलर MP3 फाइल को
सुन भी सकते हैं, प्रीव्यू भी देख सकते हैं उसका, चाहे वो आपकी MP3 फाइल हो, चाहे वो आपकी WAV फाइल हो, FLP फाइल हो, यानी कि FL स्टूडियो की म्यूजिक एडिटिंग ऐप की फाइल हो। तो यहाँ पर सभी तरीके के एक्सटेंशन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी कैटेगरीज यहाँ पे आ रही है। तो आप अपनी पर्टिकुलर कैटेगरी को चूज करेंगे और अपनी पर्टिकुलर फाइल यहाँ पे रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मजे की बात यह है कि आप उसको सुन भी पा रहे हैं अपनी, यानी कि पर्टिकुलर फाइल को आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि ये वही फाइल है, ठीक है। अगर वो फाइल का पाथ भी रिकवर हो जाता है तो आपके लिए बेस्ट है, अगर नहीं हो पाता तो रॉ फाइल में से आपको ढूंढनी पड़ती है। यहाँ पर अब हम इसको रिकवर करते हैं, रिकवर बटन पर हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद उसका पाथ आप यहाँ पे असाइन करेंगे कि कहाँ पर आप उसको सेव करना चाहते हैं। तो मैंने उसका पाथ यहाँ पे असाइन किया, असाइन करने के बाद जस्ट यहाँ पर आप ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये आपकी उस पर्टिकुलर ड्राइव में चली जाएगी फाइल, रिकवर होके सेव हो जाएगी जो आपने चूज किया। तो यहाँ पे मैंने ई ड्राइव ही चूज किया, यहाँ पे डी बैकअप फॉर विंडोज का यहाँ पे ऑप्शन आ गया, फोल्डर आ गया और उसमें ये फाइल रिकवर होके आ गई है, जो कि मेरी ओरिजिनल फाइल थी जिसको मैंने आपको डिलीट किया था अपनी ड्राइव को। तो ये आप देख सकते हैं कितना इफेक्टिव मेथड है यहाँ पर, कितना ज़्यादा लिमिट तक इसने मुझे रिकवर करके मेरी फाइल्स को दिया। अब मुझे जिन जिन चीज़ों की जरूरत होगी मैं उनको रिकवर कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं PNG में भी काफ़ी सारी इमेजेस मेरे पास आ रही है, तो हो सकता है कि कोई इमेज ऐसी हो जो मेरे काम की हो जो मैंने डिलीट कर दी, तो मैं उसको रिकवर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाता है इसको रिकवर करने का। खास बात यह है कि आपको इसको डायरेक्ट इंस्टॉल करते ही परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको फ्री ट्रायल मिलता है, फ्री आपको डाउनलोड करने की सुविधा मिलती है, जिसमें आप ये टेस्ट कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं बिना उसको परचेज किए कि ये टूल आपके लिए कितना वर्क कर रहा है। अगर सभी चीज़ें स्कैन करके आपके लिए अवेलेबल बना देता है और आप उसका प्रीव्यू देख पाते हैं, तो आप एक पॉइंट पर अगर आपके पास आपके लिए फ्री मेथड वर्क नहीं कर रहे हैं तो आप इस तरीके के टूल परचेज करके ट्राई कर सकते हैं। अगर बात करूं इनके पेड प्लान्स की, तो बाय नाउ पे क्लिक करके आप यहां पे ये जो टूल है परचेज कर सकते हैं, और इसमें भी आप देख सकते हैं 30 डे मनी बैक गारंटी यहां पे लिखी है और 10% ऑफ का कूपन भी आपको मिल रहा है। तो यहां पर आप जस्ट अपने अकॉर्डिंग यहां पे प्लान चूज कर सकते हैं, 1 मंथ प्लान, 1 ईयर प्लान, लाइफ टाइम प्लान। अगर आपको लगता है आपका डेटा इतना वर्दी है तो आप 1 मंथ का प्लान लेके सारा का सारा डेटा आप रिकवर कर सकते हैं। इसके अलावा रिकवरी जो टूल है वो iOS प्लेटफॉर्म के लिए भी अवेलेबल है, जिसका नाम है DBAC iOS, उसके लिए भी आप इस रिकवरी टूल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो समस्या है डेटा डिलीट करने की वो किसी के भी साथ हो सकती है। वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को तो ये वीडियो पहुंचे और उनकी हेल्प कर सके अगर फ्री टूल्स उनकी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए बस्टेटेक। धन्यवाद, जय।